हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको दीपावली डेकोरेशन के लिए आपको कैंडल मेकिंग बताऊंगी। ओके, सबसे पहले हम क्राफ्ट पेपर लेंगे, कोई सा भी कलर लेंगे, कोई भी सा कलर का ये पेपर लेंगे। कंट्रास्ट कलर में आप ले सकते हैं। उसके बाद इसको ऐसे हम इसको मोड़ेंगे, जिगजैग में हम ऐसे इसको पूरे ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसका हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे और इसमें आप ये ऐसा सर्कल हमने ये ऐसा सर्कल काटा हमने। सर्कल काटने के बाद फेविकोल की सहायता से हम इसको ऐसे पेस्ट करते जाएंगे, ऐसे पेस्ट करेंगे हम पूरे में, हमको हम इसको पूरे में लगाएंगे। ये हमने पूरे में लगा लिया। अब इसको हम ऐसे रोल करेंगे, ऐसे रोल करने के बाद आप इसमें स्टेपलर लगाएंगे। इसमें दोनों साइड आप स्टेपलर लगाएंगे ऐसे, या तो आप फेविकोल से भी इसको पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप फेविकोल लगा लीजिए। अब ये आपका कैंडल का बेस तैयार हो गया। अब इसमें आप ऐसा एक कार्डबोर्ड की सहायता से एक सर्कल काटेंगे। ओके, ऐसा हमने सर्कल काट लिया। फिर आपके पास ग्लिटर शीट है तो ग्लिटर शीट से आप छोटे छोटे टुकड़े से आप ऐसे सर्कल काट लेंगे और इसमें से आप क्राफ्ट पेपर से इस साइज का पेपर आप कटिंग करेंगे। इससे हम फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले फ्लावर बनाने के लिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर उसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया। अब इसको ये हमने ऐसे पेपर लिया, फिर ऐसा ये देखिए, फिर से आप ऐसे फोल्ड करेंगे। ये ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे आप तीन चार फ्लावर ऐसे बनाएंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम ऐसे ऐसे कटिंग करेंगे। और देखिए आपका फ्लावर तैयार हो गया। आप इसमें ग्लिटर शीट से ऐसे सर्कल काट के लगा दीजिएगा। अब हम कैंडल को ऐसे लव बनाएंगे। लव बनाने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। ऐसे कटिंग करने के बाद इसको हम पहले इसको कटिंग कर लेंगे। ये लव तैयार हो गया। अब इसमें हम या तो हम स्टेपलर से इसको ऐसे पेस्ट कर लेंगे। अब आपने जो फ्लावर बनाया है पूरे फ्लावर ऐसे
बनेगी। इसको हम बीच बीच में ऐसे पेस्ट करते जाएंगे। ऐसे 4 फ्लावर लगे हैं इसमें और आपको ऐसे ही बनाना है। फिर इसमें हमने ऐसा सर्कल काट लिया। सर्कल काटने के बाद हैवी कोल से आप इसको पेस्ट कर लेंगे। हमने ऐसे फेविकोल लगा लिया और फेविकोल से ऐसे हमने पेस्ट कर दिया। अब हमने कार्ड से सर्कल काटा और सर्कल काटने के बाद उसको भी पेस्ट कर देंगे। ऐसे हम ऐसी हमने फ्लावर बनाया। आप बड़ा वाला क्राफ्ट पेपर लेंगे और बड़ा वाला क्राफ्ट पेपर से आप ऐसी ही फ्लावर बनाएंगे इस तरह का। ये फ्लावर हमने कटिंग कर लिया और इसको इसमें पेस्ट कर देंगे। ये फ्लावर हमने ऐसे पेस्ट कर दिया। ये आपका कैंडल तैयार हो गया। ओके, थैंक यू।